स्टार्ट करें तो हमने इसकी एक ही प्रॉपर्टी डिस्प्रूव करनी है। कौन बताएगा कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी डिस्प्रूव हो सकती है? देखें एडिशन के लिहाज से अगर देखा जाए, एडिशन तो स्टैंडर्ड है, एडिशन के लिए उसने कहा हुआ है स्टैंडर्ड ऑपरेशन है। तो दो वेक्टर उठाएं आर स्क्वायर में से, उनको ऐड करें तो आर टू में ही आंसर आएगा, ठीक है। वो एसोसिएटिव भी होल्ड करेंगे, कम्यूटेटिव भी होल्ड करेंगे। फोर्थ में इसमें नल वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होगा जो कंडीशन को होल्ड करेगा, ठीक है। और लास्ट में आपके पास नल वेक्टर में किसी भी वेक्टर को ऐड करेंगे तो वही नया वेक्टर, वही जो वेक्टर होगा वही आ जाएगा। अब मल्टीप्लिकेशन में है, मल्टीप्लिकेशन में पहली कंडीशन क्या होती है, अल्फा टाइम ऑफ दैट वेक्टर शुड बी अगेन टू डायमेंशनल वेक्टर। तो ये टू डायमेंशनल तो बन रहा है, पहली कंडीशन भी होल्ड करती है। दो वेक्टर्स को ऐड करें और फिर इसको कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करें तो तब भी आपके पास एक नया टू डायमेंशनल वेक्टर बनना चाहिए, आउटपुट में टू डायमेंशनल भी आ रहा है, ठीक है। थर्ड कंडीशन में दो कांस्टेंट को ऐड करने के बाद एक वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो कंडीशन भी होल्ड करती है। फोर्थ में आपके पास क्या होना चाहिए था, फोर्थ कंडीशन, फोर्थ कंडीशन में आपके पास एक अल्फा टाइम ऑफ बी, अल्फा टाइम ऑफ बी टाइम ऑफ यू, तो वो भी आउटपुट में। लास्ट जो कंडीशन है वन टाइम ऑफ यू शुड बी इक्वल टू यू होना चाहिए, वन टाइम ऑफ यू शुड बी इक्वल टू यू होना चाहिए। तो देखना जरा एम फिफ्थ जो कंडीशन है उसमें U हम कोई भी सपोज कर लेते हैं, x1 x2 belongs to R, R2, तो वन टाइम ऑफ U वेक्टर करें तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टैंडर्ड ऑपरेशन वन टाइम ऑफ U क्या बनता है, वन टाइम ऑफ x1, और दूसरा क्या बना देगा दिस डेफिनेशन, इस डेफिनेशन को यूज करें जीरो बना, दैट इज नॉट इक्वल टू x1 x2। और हमने क्या पढ़ी थी लास्ट कंडीशन, वन टाइम ऑफ u शुड बी इक्वल टू u होना चाहिए था, हेंस v इज नॉट अ वेक्टर स्पेस, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ये ना आप इजी ले लो। तो आपके पास इससे रिलेटेड फिर एक्सरसाइज 5.1 बनती है, एक्सरसाइज 5.1, ठीक है, पेज 103 के ऊपर, ठीक है, जो लेक्चर नोट्स में आपको आज सेंड करूंगा, तो वहां तक आप लोगों ने आज, ठीक है बच्चों, फिर मैं साथ में आपको सबस्पेस कल जब भी नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारे पास तो सबस्पेस स्टार्ट कर। कोई चीज पूछनी है इसमें तो पूछ ले आप, कोई भी चीज पूछ, बाकी सेक्शंस को भी मैंने यहां तक करवाया है तो आप लोग यहां तक कर ले। हाँ जी बच्चों, सर ये आखिरी वाली दोबारा बता दें। देखें एक बात याद रख लें, एक तो होता है स्टैंडर्ड ऑपरेशन, स्टैंडर्ड ऑपरेशन क्या क्या थे बताएं मुझे सर, 2 + 3 = 5, 5, दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड ऑपरेशन। एक नॉन स्टैंडर्ड, नॉन स्टैंडर्ड खुद से कोई डिफाइन, कोई से भी 2 + 3 = 5 नहीं बनता, मैं कहता हूँ 2 + 3 = 2 × 5 बनता है, दिस इज कॉल्ड नॉन स्टैंडर्ड। जब कोई नॉन स्टैंडर्ड ऑपरेशन होगा ना वो खुद से डिफाइन कर देगा, खुद करना है मतलब कि वो क्वेश्चन में खुद डिफाइन कर देगा, जो क्वेश्चन पूछने वाला होगा ना आपसे, जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा। देखो नॉन स्टैंडर्ड तो आपको तो नहीं पता ना, आपको पता है क्या है नॉन स्टैंडर्ड, नहीं पता, अगर नहीं पता तो ऑब्वियसली बात है वो डिफाइन करके देगा। तो इसका मतलब है जब भी आप वो वाला ऑपरेशन करोगे तो आप वो वाला उस मेथड से करोगे। फॉर एग्जांपल जब मैं अल्फा को टू डायमेंशन वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो जो अल्फा है वो पहले कंपोनेंट के साथ तो मल्टीप्लाई होगा लेकिन दूसरे कंपोनेंट को वो जीरो कर देगा, ठीक है। ये नॉन स्टैंडर्ड उसने खुद से डिफाइन करके दे दिया और जनरलाइज करके। अब देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, अगर मैंने पहली एग्जाम्पल जो करवाई थी, सबसे पहली एग्जाम्पल n डायमेंशनल वाली, ये n डायमेंशन थी, ये कितने डायमेंशन थी, n डायमेंशन, शुरू में मैंने डायमेंशंस बताई हुई हैं, ये 1 डायमेंशन है, ये 2 डायमेंशन है, ठीक है, ये 3 डायमेंशन है, 4 डायमेंशन है, ये n डायमेंशन, ठीक है ना, बिल्कुल। अब जरा समझने की कोशिश करता, वो कह रहा है r स्क्वायर जोन सी है, ये 2 डायमेंशन स्पेस है,
ठीक है, क्या ये वेक्टर स्पेस बनाती है नहीं बनाती, लेकिन ऑपरेशन उसने क्या कहा था, ऑपरेशन कौन से लगाना है, एडिशन के ऊपर स्टैंडर्ड ही लगाना है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के ऊपर क्या लगाना है, नॉन स्टैंडर्ड। नॉन स्टैंडर्ड ठीक है, तो एडिशन वाले अगर स्टैंडर्ड लगाऊं तो यहाँ पे तुम दो वेक्टर उठाओ एडिशन वाले, एडिशन पहले पांच प्रॉपर्टीज एडिशन के करते हैं, दो वेक्टर उठाओ यू और वी, टू में एक्स वन और एक्स टू बन जाएंगे और वाई वन एंड वाई टू, उनके एडिशन करोगे तो यहां तक आंसर आ जाएगा, यहां तक ही आंसर आएगा। यस सर ठीक है, फिर एसोसिएशन करो उनकी, यू प्लस वी करो ये बनेगा, वी प्लस यू बन जाएगा, वो भी कोई मसला नहीं है। थर्ड इसकी, थर्ड प्रॉपर्टी करो इसकी, वो भी कोई मसला नहीं है। फोर्थ करो, फाइव करो, एडिशन की फाइव में कोई मसला नहीं आएगा। ठीक होगी बात, ठीक बिल्कुल ठीक है। अब हम मल्टीप्लिकेशन के ऊपर आते हैं, एक सेकंड जरा, एक सेकंड। हाँ जी, अब हम मल्टीप्लिकेशन के ऊपर आ जाते हैं। किधर गया पेज, फाइव सिक्स सेवन, ये एडिशन की चल रही है सारी की सारी, एड एडिशन फाइव तक कोई इशू ठीक है ना, मतलब आप दो दो के आर्डर पेयर लें, सिर्फ दो दो के लें, यहाँ पे तो एन का मैंने किया हुआ है, आप दो दो के फाइव तक आपको कोई मसला नहीं। अब आप मल्टीप्लिकेशन वाले पे आ जाए, मल्टीप्लिकेशन में पहला जब आप करोगे आपका आंसर क्या आना चाहिए, अल्फा कोई भी रियल नंबर लो और यू कोई भी वेक्टर लो टू डायमेंशन, जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आना चाहिए, पहला एज इट इज आना चाहिए अल्फा टाइम ऑफ एक्स वन, दूसरा क्या बन जाएगा, सिगो बन जाएगा। ऐसे ये देखो मल्टीप्लिकेशन का पहला क्या बनेगा, u कोई भी टू डायमेंशन में वेक्टर लो, अल्फा कोई भी रियल नंबर लो, अल्फा टाइम ऑफ u क्या, जो ऑपरेशन उसने डिफाइन किया हुआ है, अल्फा टाइम ऑफ x1 x2, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो पहला क्या बन जाएगा अल्फा x1 और दूसरा क्या बन जाएगा जीरो। तो क्या ये टू डायमेंशन बन रहा है दोबारा या नहीं बन रहा, क्या ये टू डायमेंशन बन रहा है या नहीं बन रहा, ये चीज देखो, बस बन रहा है ना टू डायमेंशन दोबारा, तो इसका मतलब है कि ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। सेकंड कंडीशन क्या थी आपके पास इसमें, सेकंड कंडीशन अल्फा अगर कोई रियल नंबर है और यू और वी कोई से भी आर स्क्वायर में कोई से भी दो वेक्टर्स हैं, तो अल्फा टाइम ऑफ यू प्लस वी करें, तो अल्फा टाइम ऑफ यू प्लस वी एक्स वन प्लस वाई वन एक्स टू प्लस वाई टू, अब अल्फा को अंदर मल्टीप्लाई, अल्फा टाइम ऑफ एक्स वन नॉन स्टैंडर्ड ऑपरेशन कर और दूसरा क्या कर देगा उसको, जीरो कर, जैसे ही अल्फा अंदर मल्टीप्लाई होगा तो इसका मतलब है ये भी आर स्क्वायर में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें टू डायमेंशन में चाहिए था, मिल भी हमें टू डायमेंशन में, अभी तक कोई इशू नहीं। थर्ड कंडीशन जो सी है, थर्ड कंडीशन में ये कहते हैं कि अल्फा प्लस बीटा टाइम ऑफ यू करो, तो अल्फा अल्फा प्लस बीटा टाइम ऑफ यू क्या था आपके पास, एक्स वन एक्स टू, तो क्या बनेगा ये अल्फा प्लस बीटा टाइम ऑफ x1 और नॉन स्टैंडर्ड ऑपरेशन में दूसरे को वो जीरो कर देगा, ये भी आर स्क्वायर में बिलोंग करे, कोई मसला नहीं है। m4 पे जाओ, m4 में क्या कहता है, अल्फा बीटा टाइम u करें, तो ये क्या मिल जाएगा आपको, अल्फा टाइम बीटा टाइम u, तो इसमें भी कोई इशू नहीं है वैसे, क्योंकि बीटा टाइम जब u करोगे तो क्या बनेगा आपके पास, बीटा टाइम x1 और दूसरा क्या बना देगा इसको, जब आप अल्फा को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फा टाइम बीटा एक्स वन बना देगा और दूसरा क्या बना देगा जी, ये भी आर स्क्वायर में बिलोंग कर रहा है। अब फाइव वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, वन टाइम ऑफ यू शुड बी इक्वल टू यू होना चाहिए, ठीक है, वन टाइम ऑफ यू शुड बी इक्वल टू यू होना चाहिए, तो वन मल्टीप्लाई बाई यू क्या था, एक्स वन एक्स टू, नॉन स्टैंडर्ड ऑपरेशन है, ये क्या बन जाएगा, वन टाइम ऑफ एक्स वन बन जाएगा, नॉन स्टैंडर्ड में दूसरे को वो क्या कर देता है जीरो, तो इसका आंसर क्या आ रहा है, एक्स वन और जीरो, क्या ये दोबारा यू बन रहा है, यू क्या था, यू तो एक्स वन एक्स टू था, नॉट इक्वल टू यू, हेंस वी इज ये आर स्क्वायर इज नॉट अ वेक्टर स्पेस विद नॉन स्टैंडर्ड ऑपरेशन, तो ऑपरेशन पे भी डिपेंड करता है क्या ऑपरेशन स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड, नॉन स्टैंडर्ड आपको डिफाइन करते, ठीक है, तो इस चीज को आपने याद, पहली पांच,
तो ये मैं लेक्चर नोट्स जब शेयर करूंगा तो उसमें काफी सारी चीजें आपको वहां पे दिखाएंगे, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। कोई चीज और पूछनी है तो वो पूछ सकते हो भाई, या मैं पूछना स्टार्ट करता हूँ। राफे किधर हो भाई? राफे जायद एब्सेंट है? नहीं सर, इधर ही हूँ। हाँ बताओ मुझे कौन से आखिरी पांच एग्जाम बता दो कौन से आखिरी एग्जाम बता दो क्या लास्ट। सर मेरा थोड़ा वाईफाई डिस्कनेक्ट हो रहा था बीच में। राफे जाहिद बीच में ठीक है ना? अच्छा 033 इधर ही हो या नहीं? इधर ही हो सर। इधर ही हो? यस सर। मुझे बताएं कि सेकंड लास्ट या लास्ट एग्जाम क्या है, बताएं लास्ट कौन सा सर? M5? लास्ट मल्टीप्लिकेशन का। हाँ जी M5। सर याद तो नहीं है मुझे, अभी एक सेकंड पहले मैंने बताया। हाँ भाई आपको भी नहीं पता। हाँ दुबा सर, वन ऑफ यू इज इक्वल होना चाहिए किसी वेक्टर के जो हमने लिखा होता है। हाँ जी वन ऑफ यू इज इक्वल टू यू, ठीक है। तो ये अदनान किधर है? अदनान 178 नहीं है? 059 यस सर। सेकंड लास्ट एग्जाम बताओ या पहला एग्जाम बता दो, एडिशन का पहला एग्जाम सबसे पहला। पहला तो था सर एक U and V belongs to V then U plus V belongs to V। दोबारा बताओ। If U and V belongs to V then U plus V belongs to V। हाँ जी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, दो डिफरेंट वेक्टर उठाएं और उनको अगर ऐड करें तो एक नया वेक्टर बनता है, वो नया वेक्टर पे उस कैपिटल V में बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। 060 नहीं है सर, क्या हाल है भाई? ठीक सर। ठीक हो? क्या कर रहे हो सर? क्लास ले रहे हैं। अच्छा तो एग्जांपल देखिए जो मैंने करवाई है आप लोग। यस सर। तो वैसे तुम लोगों को एक बात बताऊं, कौन सा सेक्शन है तुम लोगों का? डी सेक्शन है ना? यस सर। हाँ तैयार हो भाई इस साल तुम लोग सारे। सर कहीं जा रहे हैं? आप लोग ना चले जाओ कहीं। क्या मतलब सर? अब सबकी घंटी बजी है ना, अब सबकी घंटी बजी है ना घंटी थोड़ी थोड़ी। ये तो आप लोगों को पता होगा पिछले साल क्या करते रहे हो आप लोग टीचर्स के साथ। तो इस वजह से अब जब बंदा फंस जाता है ना तो उसको चाहिए हर कदम फूक फूक के रखे, ठीक है। तो तैयार रहो आहिस्ता आहिस्ता, मेहनत करो दबा के, ठीक है। मेरी तरफ से कोई मसला नहीं है, लेकिन ये ना हो कि रगड़ा चढ़ जाए तुम लोगों को बाकी टीचर्स की तरफ से। मेहनत करो साथ साथ, जो क्विज असाइनमेंट दे रहा हूँ वेल एंड टाइम जमा कराओ, ठीक है। और जो ये 8-9 लड़के हैं ना ये तो बिल्कुल मुताबिक हो जाए, और उनको भी पता है वो कौन से हैं। और कुछ बच्चे चले छोड़े, मैं अब सारी बातें नहीं बताऊंगा, अकलमंद के लिए इशारा काफी होता है, मुझे यकीन है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो अपने क्विज आप लोगों ने, खैर आज क्विज की लास्ट डेट है, असाइनमेंट आप लोगों ने सबने सबमिट करवा दी होगी क्विज। चले मैं इंशाल्लाह एक दो दिन तक चेक करके उसके मार्क्स भी बता दूंगा साथ साथ, या मिड से पहले पहले इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा।
ठीक है, तो हो सकता है मिड आपका ऑन कैंपस हो जाए, क्योंकि जो अभी तक सुनने को मिल रहा है, और ईद के बाद होगा कहीं। ठीक है ना बच्चों, दबा के मेहनत करो, मेरी तरफ से कोई टेंशन नहीं है, बाकी ये है कि तैयारी करो अच्छे तरीके से। ओके सर। ओके, कोई चीज पूछनी है तो पूछ सकते हो। चलो ओके, अल्लाह हाफिज़।